हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैं यहाँ से। ये फ्लावर देखो, ब्लू, ये येलो कलर के फ्लावर है ना, देखो बहुत सुंदर फ्लावर, इतने सुंदर लग रहे हैं, ये है ना, सुंदर सुंदर लग रहे हैं ना, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ये वाली पिक। इधर ये इसका प्लांट, ये काट दिया है, चलो देखो कैसे लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। ये येलो वाला, येलो 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 एंड ग्रीन, अच्छा लग रहा है ना बहुत। जो मैं बोलती हूँ बेटा, एक बार मेरा छोटा बेटा मुझे नहीं इतना, मैंने, हम लोग तो सीधे बोलते थे मक्की के दाने के, जो हम वो करते हैं खिलने खिलने करते हैं, सीधा ऐसे बोलते थे। वो मार्केट में चले गए हम लोग, मेरा बड़ा बेटा भी छोटा छोटा बेटा बोलने लगा, मम्मी जी वो पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न, वो ऐसे थोड़ा तोतला तो नहीं ऐसे सीधा बोलता था, बट कुछ बोले मम पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न है कम सा, मुझे ऐसे कुछ ऐसे इतना नहीं वो पता चला क्या बोला उसने। फिर मैंने बड़े बेटे से पूछा, मैंने बोला क्या बोल रहा है, फिर बोला मम्मी वो जो ना रेड़ी पे वो भैया उनसे वो मांग रहा है। मैंने बोला ले आ, तो मैंने जैसे पैसे दिए तो ले आया, पता नहीं 10 रुपये के कितने का ये, मैंने बोला ये है, बोलता ये पॉपकॉर्न है। अच्छा, मैंने बोला हम लोग तो इसको भोगड़े बोलते हैं ये है पॉपकॉर्न। मैं वो मरे हो तुम लोग अंग्रेज हैं, अंग्रेज मैं क्या, सिर्फ हिंदी बोलो हैं, ये बोल दो मक्की के दाने के जो क्या बोलते खिल्ले हुई रहती हैं वो बोल दो, मक्की के दाने के खिल्ले, चावल के दाने की भी खिल्ले तो होती हैं जो प्रसाद में बनाते हैं, चावल नहीं वो मतलब साबुत जो दान होते हैं उनके की जाती हैं प्रसाद, जो होता है उन्हीं का ही तो होता है, फुलियाँ जिनको बोलते हैं वो। तो अब क्या करते हैं, बनाते हैं, अब तो इतना वो नहीं करते, लेकिन तो हमारे मेरी मदर जो थी, दादी स्पेशल वो बोलती थी, मदर क्या करते थे, जौ जो होते हैं उनके सत्तू बनाते थे, और दोपहर को जब खेतों से आना काम से तब वो सत्तू ऐसे होती थी, क्या बोलते उखड़ी, उसमें ऐसे वो करते थे, ऐसे घुमाते थे, तो फिर घुमा के उसमें वो करना, फिर कितना उसकी मेहनत होती थी वो, उसको मतलब साफ कर कुर के उसके बीच में चीनी काली मिर्च डाल के ब्लैक पेपर जिसको आजकल बोलते हैं हम लोग, अंग्रेज ही बन गए हैं, तो वो डाल के उसका ठंडा पानी पीते थे गर्मियों में ना? ये चीज़ थी। अब भी कहाँ ये चीज़, अब तो फटाफट रेडीमेड जूस ले आते हैं, रेडीमेड जूस ले आओ तो है, जमाने ज़माने के हिसाब से है अब देखो, लेकिन पहले के अब भी है कि जितना हो सके काम करते रहो, बट ज़्यादा भी नहीं करो, खाओ भी और काम भी करो, है ये है। तो आज का ब्लॉग क्या था, डस्टिंग एंड किसके ऊपर था, खाने पीने के ऊपर, दो मिक्स हो गया, बस एक ही करना चाहिए था, डस्टिंग। चलो डस्टिंग करें, किसकी डस्टिंग, आज सबकी डस्टिंग कर देनी है ना, डस्टिंग सबकी डस्टिंग कर दो। ये आज का मेन मुद्दा ये था डस्टिंग का, मैंने बोला आज, मैंने सुबह ही बोला, मैंने बोला डस्टिंग कर लूँगी मैं जल्दी से, तो फिर ये बोले कैसी डस्टिंग, मैंने बोला अरे डेली करनी पड़ती है, लोग करते हैं, आप लोग को तो आते हुए जैसे साफ ही दिखता है ना, साफ दिखता है, बस वही पता चलता है कि हाँ साफ है, लेकिन हम लोग लगे रहते हैं ना पीछे से, तो वो फिर अंदर का काम क्या होता है, छोटा छोटा ये दिखता नहीं है, नज़र नहीं आता, बाहर का एक काम, तो एक काम पे आप पानी का घड़ा ले आएंगे वो सबको दिखेगा, लेकिन अंदर का किसी को कुछ भी नहीं दिखेगा, है ना, ये तो ये है ना। ये साड़ी दिखाऊं मैं अपनी फिर से, ये देखो ये साड़ी है मेरी आज की, ये देखो ये वाली ग्रीन एंड ग्रीन के साथ ही यही मैच कर रहे थे, तो फिर मैंने यही लगाया, ये देखो, खुद को भी खुश रखना और खुद को मेंटेन रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा सा बिजी रहो, थोड़ा सा काम करो, थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन भी करो, थोड़ा सा अपनी डस्टिंग भी करो, है ना, सब चीज़ें ज़रूरी है। ये कुछ बच्चों को आजकल ये छुट्टियाँ पढ़ रखी हैं ना, कुछ बच्चों को, बहुत ज़्यादा को नहीं, कुछ बच्चों को, तो वो है इधर आए हुए हैं, तो
थोड़ी रौनक हो जाती है ना, बच्चों के साथ रौनक हो जाती है, अच्छा लगता है। धूप में तो आजकल एग्जाम भी लगे हुए ना कुछ बच्चों के। मैं अपनी साड़ी फिर से दिखाऊं आपको, ये देखो ये है मेरी साड़ी, ये इसका पल्ला है ना, ये पल्ला है गोल्ड कलर का, अच्छा बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे तो, बहुत अच्छा लग रहा है ना, ये अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा। तो ये है ना, अपने आप को थोड़ा सा टाइम देते हैं, थोड़ा सा वो अपने आप मेंटेन रहते हैं, इसमें कोई गुनाह तो नहीं है, है ना, किसी का बुरा तो नहीं कर रहे, अपने लिए यो टाइम निकाल रहे हैं, कोई वो नहीं है, अपने में खुश रहते, मस्त अच्छी अच्छी बातें याद करो, खुश रहो, हाँ हंसते रहो, कोई और कोई देख देखेगा है, बोलते हैं किसी के दुख नहीं, कोई इतनी इसमें सोच में पड़ जाए कि हाँ ये क्यों खुश है इतना, है ना, क्यों खुश है इतना। ये बाल धोए अभी, इसमें थोड़ा इन बालों में भी डस्टिंग करेंगे ना, अभी बाल वॉश किए, इसमें भी थोड़ा सा कलर वलर करेंगे कुछ तो। ये है ऐसी है लाइफ, है ना, सुबह से लेके शाम तक काम काम काम, बस एक घंटा दे लेते हैं अपने लिए, ये बहुत है, बहुत है। बच्चे शायद आए छुट्टियों रखने, बच्चों को आए हैं जैसे अपनी बुआ मासियों के पास, तो वो पटाखे उड़ा रहे हैं, कर रहे हैं पटाखे उड़ाने का काम कर रहे हैं इधर, वो देखो खूब धुआं उड़ा रखा है वहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे क्या करें, अब बचपन में ही तो मस्ती होती है, और कब होती है, बचपन में ही तो मस्ती करेंगे, है ना, तो बचपन में नहीं करेंगे और बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा, बड़े करेंगे, बड़े करेंगे अगर शरारतें ऐसी तो उनको बोलेंगे ये पागल हैं, पागल हो रखे हैं, है ना, बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना, बड़े करेंगे। इस साइड से ना थोड़ा ये पक्षी जा रहे हैं ऊपर उस पे ना आसमान में, वो भी धूप सेक रहे होंगे, है ना, सबको धूप की ज़रूरत होती है, सब धूप सेक रहे हैं, तो वो भी मज़ा ले रहे हैं, अपना सब इंजॉय करते हैं, है ना, सबको ज़रूरत होती है इंजॉय की। देखिए मन को खुश रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, किसके लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए तो दूसरे ही लिए थोड़े ना, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। ये थोड़ा सा दुब दुब में वॉक करें ना तो पसीना भी बहुत जल्दी आ जाता है, पड़ जाता है, बहुत जल्दी पड़ता है पसीना, तो धीरे धीरे वॉक कर लिया एंड हो गया, तो चलो ओके गाइस बाय, आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, है ना, बाय, स्माइलिंग फेस। करते हैं बाय 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 बाय।